साथियों, दशकों तक देश में जो व्यवस्था रही उसमें ये सोच बन गई थी कि गरीबी केवल गरीब की समस्या है, लेकिन आज देश में जो सरकार है वो गरीब की सरकार है, इसलिए वो गरीब को अपने हाल पर नहीं छोड़ सकती। और इसलिए आज देश की नीतियों के केंद्र में गरीब है, आज देश के निर्णयों के केंद्र में गरीब है, विशेषकर शहर में रहने वाले गरीब भाई बहनों पर भी हमारी सरकार उतना ही ध्यान दे रही है। साथियों, कोई भी ये जानकर हैरान रह जाएगा, यहां दिल्ली में ही 50 लाख से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता तक नहीं था। ये लोग भारत की बैंकिंग व्यवस्था से नहीं जुड़े थे, बैंकों से मिलने वाले हर लाभ से वो वंचित थे, बल्कि सच्चाई ये भी थी कि गरीब बैंक के दरवाजे तक जाने से डरता था। ये लोग दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली इनके लिए बहुत दूर था। इसी स्थिति को हमारी सरकार ने बदला, अभियान चलाकर दिल्ली के गरीबों को, देश के गरीबों के बैंक खाते खुलवाए गए। तब किसी ने शायद ही सोचा होगा कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आज दिल्ली के गरीब को भी सरकार की योजनाओं का सीधे लाभ मिल रहा है। आज दिल्ली में हजारों साथी रेहड़ी पटरी की दुकान लगाते हैं, सब्जियां और फल बेचते हैं। कई साथी ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं। इनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसके पास आज भीम यूपीआई न हो, पैसे सीधे मोबाइल पर आते हैं, मोबाइल से पेमेंट भी हो जाता है। इससे कितनी बड़ी आर्थिक सुरक्षा भी मिली है। बैंकिंग सिस्टम से जुड़ने की यही शक्ति पीएम स्वनिधि योजना का भी आधार बनी। इस योजना के तहत शहर में रहने वाले हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई और बहनों को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। और मुझे खुशी है कि दिल्ली के भी 50,000 से ज्यादा रेहड़ी पटरी वाले मेरे भाई बहन ने स्वनिधि योजना का लाभ उठाया है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी दी गई 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता भी दिल्ली के छोटे उद्यमियों की काफी मदद की है। साथियों, हमारे गरीब साथियों को एक बड़ी दिक्कत राशन कार्ड से जुड़ी अव्यवस्थाओं से भी होती है। हमने वन नेशन वन राशन कार्ड की व्यवस्था करके दिल्ली के लाखों गरीबों का जीवन आसान बनाया है। हमारे जो प्रवासी श्रमिक दूसरे राज्यों से काम करने आते हैं, पहले उनका राशन कार्ड यहां बेकार हो जाता था, एक सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता था। इससे उनके लिए राशन की समस्या खड़ी हो जाती थी। वन नेशन
वन राशन कार्ड के जरिए इस चिंता से भी मुक्ति मिल रही है।